नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। विदिशा में कोविड-19 नर्सिंग स्टाफ ने धरना स्थल पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। बता दें कि कोविड-19 के नर्सिंग स्टाफ को अस्पताल में कई महीने काम पर रखने के बाद अचानक निकाल दिया गया, जिसके चलते नर्सिंग स्टाफ के सदस्य तभी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टाफ का कहना है कि वो इस मामले को लेकर कई बार अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कोविड-19 का स्टाफ है हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, और आज हम सुंदरकांड करवा रहे हैं मामा जी की सद्बुद्धि के लिए, ताकि मामा जी को सद्बुद्धि आए और वो ये चीज़ समझें कि जो चीज़ वो बार बार बोलते हैं कि एमपी के सारे बच्चे हमारे भांजे हैं, हमारी भांजियाँ हैं, तो वो ये समझें कि भांजे भांजियों को किस तरीके से देखभाल की जाती है। हमने हमेशा एमपी में ये देखा है कि भांजे भांजियों के पैर छूते हैं, पर मामा जी ने तो आज हमारे साथ ये किया है कि उन्होंने अपनी भांजियों के पैर के नीचे से जमीन खींच ली है। रतलाम के जावरा शहर में करनी सेना व परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने तांडव वेब सीरीज के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि देश में वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाकर हिंदू धर्म को अपमानित किया गया। इसी के साथ ही शासन से ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि तांडव वेब सीरीज पर रोक लगाई जाए। वहीं कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, लेखक को अमेजोन पर धार्मिक भावना भड़काने के मामले में केस दर्ज कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तांडव वेब सीरीज को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी बीच करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया है। करनी सेना के कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस वेब सीरीज को रोक दिया जाए। अमेजोन पे टांडव वेब सीरीज एक प्रसारित हो रही है, उसमें हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक दर्शाया गया है, और हम चाहते हैं कि वो वेब सीरीज बैन हो और उन निर्देशक और निर्माताओं पे केस दर्ज हो। जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं। जो भी निर्माता, निर्देशक और फिल्म सितारे जो उसमें काम कर रहे हैं, उनको 5 साल के लिए या 2 या 3 साल के लिए बैन किया जाए, ताकि ये बार बार ना हो। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हिंदू समाज, सिख समाज और जैन समाज के ऊपर कोई भी धार्मिक उत्पीड़न होगी तो उसकी आवाज उठाएगी। और हम इंदौर डीएम एक तरफ अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ नकेल कस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महू में अवैध रूप से शराब बेचने का काम जोरों पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि शहर में कई जगह दो पहिया वाहन से देसी शराब की डिलीवरी की जाती है। अभी हाल ही में मुरैना जैसी घटना हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील काले, संवाददाता। इस खबर को लेकर क्या कुछ पूरा मामला है? मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुरैना में जहाँ जहरीली शराब पीने से 22 लोग की मृत्यु हुई, लेकिन मुंह शहर के तोपखाना शराब क्षेत्र में शराब के सेल्समैन द्वारा ही काली कलर की एक्टिवा पर रखकर जगह जगह अवैध तरह की शराब भेजी जाती है। जब इस मामले में आबकारी विभाग के रून वाली जी से बात हुई तो बोलता मेरे को इस मामले को अभी तक मालूम पता नहीं था, लेकिन मैं मालूम करता हूँ। लेकिन आज तक अभी भी काली कलर की एक्टिवा गाड़ी से आते हैं, हेलमेट लगाकर, और शहर में अवैध शराब की खरीद की जाती है। जिस तरह से मुरैना में अभी हाल ही में शराब को लेकर 15 लोगों की जान गई, उसके बाद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मैम, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज से 3-4 दिन पूर्व मऊ के मानपुर थाना क्षेत्र के नहीं, एक सफेद कलर की गाड़ी जिसके अंदर 3 अलग अलग तरह की नंबर प्लेट रखी हुई थी, वो गाड़ी भी अवैध शराब का
साइड होने जा रही थी, उसी शराब की गाड़ी ने तेज गति से आते हुए एक महिला को टक्कर मार दी थी, जिसकी मौके पर मौत हो गई। फिर भी आज भी मऊ में ऐसे कई देखा जाए कि कोजरिया, बड़गोंदा और अन्य आसपास जगह में अभी भी अवैध शराब और कच्ची शराब का बिकना जारी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यदि दुकान से बाहर मदिरा किसी भी माध्यम से जाती है तो अवैध है, है ना। आप नोटिस मिला है तो मैं उसमें जाके उसको ट्रेस करता हूँ और विधिवत कार्रवाई संपादित करूँगा। उस एक्टिवा से कुछ बाहर की भी शराब आती है जो अंदर रखाती है? बिल्कुल संभव ही नहीं। शराब वेयर हाउस से जो परमिट के अनुसार बड़ी वाहनों से आती है, 15-15 दिन के अंदर जो भी होता है, ज़्यादा बार भी वो ला सकता है वेयर हाउस से विधिवत। यदि एक्टिवा से ला रहा है तो बिल्कुल गलत है, हम उसकी जाँच करेंगे। नागदा में अटल उद्यान एक बार लोगों के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि कोरोना काल में कई पार्कों को बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी सरकार द्वारा पुनः आदेश के बाद फिर से पार्क को खोल दिया गया है। बावजूद इसके नागदा का अटल उद्यान नहीं खुला था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने समाज सेवी स्वदेश क्षत्रिय से की थी, जिसके बाद स्वदेश ने यह मामला क्षेत्रीय विधायक के सामने रखा, तब जाकर ये पार्क फिर से खोला गया। स्वदेश ने ये मामला क्षेत्र विधायक के सामने रखा है, उसके बाद जाकर ये पार्क को खोला गया है। बता दें कि कोरोना काल से पार्क लगातार बंद थे। शिवनी में जाबुआ पावर प्लांट लिमिटेड द्वारा आम रास्ता बंद किए जाने से लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। गुस्साए लोगों ने डीएम और एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर अपना विरोध जताया। लोगों का कहना है कि अगर ये रास्ता जल्द खोला नहीं गया तो हम आने वाले दिनों में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग रास्ता बंद होने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला सिवनी से है। झाबुआ पावर प्लांट के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। हर साल की तरह इस बार भी भोपाल में शिव दुर्गा समिति द्वारा भव्य भागवत का आयोजन हुआ। इस 7 दिवसीय आयोजन में कथा का पाठ भी हुआ, जिसमें विधायक और कांग्रेस कमेटी के लोग शामिल हुए। खास बात यह है कि 7 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में दूर दराज से भक्त शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम में विधायक शामिल हुए हैं। भव्य भागवत का आयोजन किया गया है, खबर भोपाल से है। इस कार्यक्रम में विधायक भी शामिल हुए हैं। नागदा में एक बार फिर बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई। दरअसल यहां के बिरला ग्राम क्षेत्र में एक स्कूल के पास बड़ी मात्रा में कौवे मृत पाए गए, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे और कौवों के अंश को जलाकर नष्ट करवाया। बता दें कि नागदा में बर्ड फ्लू से दहशत का माहौल है, जहां पर बड़ी संख्या में कौवे मृत पाए गए हैं। तो नागदा में फिर बर्ड फ्लू की दहशत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। शिवपुरी केकनिया धाम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता के द्वारा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में बीएमओ को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्ताओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को लेने के बाद बीएमओ ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान मरीजों की समस्याओं को सुना और अस्पताल प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। इसी के साथ बीएमओ अरुण झसिया ने कहा कि लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है।
मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह को देखते हुए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा एक रैली निकाली गई। इस रैली में एनसीसी के विद्यार्थी, एनएसएस और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। यातायात थाना प्रभारी आशीष राय ने बताया कि एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में सड़क पर सुरक्षित चलने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी की जा रही हैं। अठारह जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन भारत सरकार दिल्ली से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज तीसरे दिन यातायात जागरूकता को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स, ट्रैफिक के जवान और रोटरी क्लब के मेंबर्स शामिल हुए और इसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के। पन्ना के अजयगढ़ में तहसीलदार को 1,00,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। तहसीलदार के खिलाफ पीड़ित ने जमीन के हस्तांतरण के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत सागर लोकायुक्त से की थी। तो खबर पन्ना से है, जहां तहसीलदार को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। बता दें कि तहसीलदार के खिलाफ पीड़ित ने जमीन के हस्तांतरण के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत सागर लोकायुक्त से भी की थी। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।